ट्रेडर्स कृपया ध्यान दें, अगर आपको मार्केट में खेलना है ना, तो नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसके साथ पहले खेलो, उसको दबाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव अनम का दोस्त और बाजार इंसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए चार इंटरेस्ट स्टॉक को लेके। तो पहले बात तो ये है दोस्तों, मैंने यहां पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है जहां पर हम लोग स्टॉक्स का जो CPE होता है, यानी कि स्टॉक्स का जो कॉल पुट ऑप्शन होता है, उसके बाय साइड में और इंट्राडे में काम करते हैं। तो ये एक लाइव मार्केट सपोर्ट रहता है। मैं लाइव मार्केट में व्हाट्सअप सपोर्ट के दौरान ये बताता हूँ कि कौन सा स्टॉक को सिलेक्ट करना है और कौन सा रेट में उसका जो कॉल पुट है, किस रेट का उसको बाय करना है और कहाँ पर उसको एग्जिट करना है। पूरा एक लाइव मार्केट सपोर्ट वहाँ पर मैं देता हूँ ताकि आप लोग उसको सिलेक्ट कर पाएँ और उसके अंदर काम कर पाए, टाइमली एंट्री कर पाए, टाइमली एग्जिट कर पाए। तो एक पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम रहता है और इसका एक छोटा सा फीस होता है दोस्तों, 799 पर मंथ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। अब चल पड़ते हैं आज का वीडियो के ऊपर और कल के लिए जो फर्स्ट स्टॉक रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो कल के लिए जो फर्स्ट स्टॉक रहेगा एक टेलीकॉम सेक्टर स्टॉक भारती एयरटेल के अंदर रहेगा। और भारती एयरटेल के अंदर लास्ट दिन जिस तरह से हुआ, मार्केट के अंदर एक फॉल आया, उस तरह से वो भी वहाँ पर रिएक्ट किया। ये मैक्सिमम साइडवेज वहाँ पर काम हुआ लास्ट डे। और इसका अगर अब ये जो 50% वाला एरिया आ रहा है 721 के ऊपर, एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर कल क्लोजिंग देते हैं इंट्राडे में, उसको हम लोग वहाँ से बाय करके चलेंगे। कैश का लेवल मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, उसको देखिए, अपने अपने रिस्क अपेटाइट के हिसाब से काम कीजिए। और अगर ये नीचे आने का कोशिश करते हैं और इसका जो 78% का रिट्रेसमेंट एरिया है जो कि आ रहा है 706 का, उसके नीचे एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देते हैं वहाँ से, इसको हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे इंट्राडे में। कैश का लेवल मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, अपने अपने रिस्क कैपिटेट के हिसाब से काम करते रहिए। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं इस चैनल के अंदर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ पर चार्ट खोल के मैं एनालिसिस करने का कोशिश करता हूँ और मेरा एक छोटा सा व्यू होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब वो व्यू को लेकर आप किस तरह से काम करें वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यहाँ पर किसी भी तरह का मतलब आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये सारे चीज़ें एजुकेशनल पर्पस है और ये एक केस स्टडी पर्पस मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ, ठीक है। अब चल पड़ते हैं सेकंड व्यू की तरह। और सेकंड व्यू देखने से पहले हम लोग लास्ट जो वीडियो मैंने डाला था उसको रिव्यू कर देता हूँ, उसने किस तरह से कारोबार हुआ। तो फर्स्ट जो लास्ट दिन का था वो था हीरो मोटोकॉर्प के अंदर, और उसके अंदर हमने देखा हम लोगों का फर्स्ट कैंडल में ही हम लोगों का सेलिंग जो लेवल था वो काटा और उसके नीचे क्लोजिंग दिया, सस्टेन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा बहुत बढ़िया फॉल आया और उसके अंदर हम लोगों का दोनों टारगेट अचीव हुआ, ह्यूज प्रॉफिट हुआ उसके अंदर। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया था कि हीरो मोटोकॉर्प के अंदर प्रॉफिट आ रहा है, बुक कर लीजिए। तो अभी तक आपने इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है। वहाँ पर अलग से कोई व्यू मैं नहीं देता हूँ, यहाँ पर जो चार व्यू देता हूँ उसका कोई अपडेट आता है एग्जिट करने का, कुछ भी चेंजेस का, तो वहाँ पर मैं देता हूँ। तो वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में डाल दिया हूँ, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सेकेंड व्यू जो हम लोगों का था तो वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। और स्टेट बैंक के अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो यहाँ पर क्लोजिंग दिया और लगभग उसके नीचे थोड़ा बहुत आया था, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट हम लोगों को आया था और मैंने अपडेट दिया था मेरा टेलीग्राम चैनल के अंदर कि स्टेट बैंक के अंदर ये यहाँ पर जो भी आ रहा है उसको लेके निकल जाओ। और उसके बाद हम लोगों ने देखा ये ऊपर चला आया और यहाँ पर हम लोगों का बाइंग लेवल एक्टिवेशन हुआ और उसके अंदर भी हम लोगों का एक प्रॉफिट दे के गया है लगभग टारगेट के आसपास। तो ये दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल प्रॉफिट दिया है, ओवरऑल इसके अंदर हम लोगों का प्रॉफिट मिला है दोनों साइड में, ठीक है। थर्ड जो व्यू था हम लोगों का टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर था, और टाटा कंज्यूमर के अंदर हम लोगों का यहाँ पर सेलिंग लेवल एक्टिवेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग भी दिया, सस्टेन भी हुआ, उसके बाद ये नीचे चला आया और हम लोगों का टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। तो इसका भी अपडेट मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दिया था कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है। और जो लास्ट और फाइनल जो व्यू था हम लोगों का जिंदाल स्टील के अंदर, उसके अंदर तो हम लोगों का सेलिंग लेवल यहाँ पर एक्टिवेशन हुआ, उसके नीचे क्लोजिंग दिया, उसके बाद ये दोनों टारगेट हम लोगों का हिट हुआ बहुत बढ़िया
मिला, प्रॉफिट देके गया। तो चारों जो मैंने व्यू दिया था चारों के अंदर ही हम लोग का प्रॉफिट मिला है। तो अगर आपको लास्ट एपिसोड के साथ मैच करवाना है तो आप मैच कर सकते हैं। खाली SBI थोड़ा ट्रिकी था उसके अंदर, अगर आप मतलब जो दोस्त यहाँ पर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं इंट्राडे के अंदर वो प्रॉफिट बुक कर पाए, जो दोस्त मतलब नए हैं उसके अंदर थोड़ा ट्रिकी पोजिशन वो लोगों के लिए था। अदरवाइज बाकी सारे के अंदर हम लोग का बहुत बढ़िया प्रॉफिट आया। तो ऐसे जो मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को व्यू देता हूँ डेली बेसिस आके, वो पाने के लिए आप खाली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके थोड़ा मुझे मोटिवेट कर दीजिए। ठीक है, अब चल पड़ते हैं सेकेंड व्यू के अंदर। और कल के लिए जो सेकेंड व्यू हम लोग का रहेगा वो रहेगा एक मेटल सेक्टर स्टॉक हिंडाल्को लिमिटेड के अंदर। और हिंडाल्को के अंदर हम लोगों ने देखा लास्ट दिन ये ऊपर खोला, उसके बाद डायरेक्टली नीचे आ गया, सारे मेटल सेक्टर स्टॉक टूटे और अब ये इसका 23% रिट्रेस एरिया जो कि आ रहा है 445 उसके ऊपर जाके अगर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देते हैं वहाँ से उसको हम लोग बाय करके चलेंगे। लेवल मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, कैश का लेवल है, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करते रहिए। और अगर ये हिंडाल्को नीचे आने का कोशिश करते हैं और ये जो एरिया आ रहा है इसका 436 उसके नीचे एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देते हैं वहां से उसको हम लोग शॉर्ट सेल करके चलेंगे। कैश का लेवल मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करते रहिए। ठीक है, अब चल पड़ते हैं हम लोगों का थर्ड व्यू के ऊपर। लेकिन उसके पहले स्क्रीन पे देखिए ये मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, यहां पर जो हम लोग इंट्राडे में काम करते हैं और कैश में जो दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं इसके अंदर कर सकते हैं। लाइव मार्केट सपोर्ट मिलता है, उसके साथ एक मेंबर स्पेशल एपिसोड भी अलग से दो स्टॉक को लेकर मिलता है। तो यहां पर आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसका एक छोटा सा फीस है 499 पर मंथ, ये कैश सेगमेंट के अंदर है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक स्क्रीनशॉट देखिए मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन, तो इसके अंदर अगर आपको जोड़ना है इसका भी छोटा सा फीस है। लाइव मार्केट सपोर्ट यहां पर भी आपको मिलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर, तो 599 छोटा सा फीस है। अगर आपको ज्वाइन करना है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। अब चल पड़ते हैं हम लोगों का जो थर्ड व्यू रहेगा कल के लिए वो देख लेते हैं। जो थर्ड व्यू रहेगा वो हम लोग का बैंकिंग सेक्टर स्टॉक ICICI बैंक के अंदर रहेगा। और ICICI बैंक के अंदर लास्ट दिन जिस तरह से कारोबार हुआ थोड़ा साइडवेज था, बैंक निफ्टी भी और उसके साथ सारे बैंकिंग सेक्टर भी साइडवेज था। और अगर हम लोग देखते हैं कि कल ये लेवल को इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं 15 मिनट का एक भी कैंडल 768, तो 768 के ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देते हैं वहां से उसको हम लोग बाय करके चलेंगे। कैश का लेवल मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, अपने अपने रिस्क को देखिए उसके हिसाब से अगर आपको काम करना है देख के काम कर सकते हैं। और अगर ये नीचे आने का कोशिश करते हैं और इस एरिया को ब्रीच करके जो ये इसका डबल बटम हुआ था जो कि आ रहा है 5756 उसके नीचे एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज देते ही वहां से उसको हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। कैश का लेवल स्क्रीन पे दे दिया हूं, उसको देखिए उसको फॉलो कीजिए, अपने अपने रिस्क के हिसाब से काम कीजिए। ठीक है, अब फोर्थ व्यू में हम लोग चलेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग जो क्विज कॉन्टेस्ट खेलते हैं आज का सवाल मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, इसका जो सही सबसे ज़्यादा सही जवाब दे पाएंगे उसको मैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट करूंगा। तो यहाँ पर सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और दो टर्म्स एंड कंडीशन है। पहले बात तो ये है जो भी आप जवाब देंगे जो भी आप कमेंट करेंगे उसको बाद में जाके एडिट मत कीजिए, ऐसे करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरा बात जो है कि यहाँ पर जो भी विनर होता है उसका जो नाम होता है मेरा जो सब्सक्राइबर लिस्ट है वहाँ से मैं चूज करता हूँ। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सही जवाब देने से भी आपका नाम वहाँ पर मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चल पड़ते हैं हम लोगों का जो फोर्थ एंड फाइनल व्यू रहेगा वो देख लेते हैं। और फोर्थ एंड फाइनल जो व्यू रहेगा वो रहेगा हम लोगों का एक दोबारा बैंकिंग सेक्टर स्टॉक एक्सिस बैंक के अंदर। और एक्सिस बैंक के अंदर जिस तरह से लास्ट कुछ ही दिनों से फॉल आया है, सारे वहाँ पर बायर्स का जो स्टॉप लॉस था उसको हिट हो चुका है और बहुत बढ़िया तरीके से इसने करेक्शन भी कंप्लीट किया है। तो कल अगर हम लोग देखते कि इस एरिया को ये ब्रेक कर रहे हैं 715 के ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देते हैं वहाँ से उसको हम लोग बाय करके चलेंगे। एक्सिस बैंक का कैश का लेवल मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, ये बाइंग लेवल है, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कीजिए। सेलिंग लेवल हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, यहाँ पर डेली बेसिस में वीडियो डालता हूँ आप लोगों को सहायता तक यहाँ पर बहुत यहाँ पर हेल्प मिलता है इसको देख के काम करने के लिए। तो ऐसे कार्यक्रम को मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए, खाली इस वीडियो को लाइक कीजिए। 170 लाइक टारगेट मैंने फिक्स किया है, उसको अगर आप अचीव कर देंगे बहुत बढ़िया लगेगा। और कॉमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमेंट करके जाइए, जो
भी आपका मन में हो, कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी आपका इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाइए, मैं उसको कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का और उसको फॉलो करने का। तो कमेंट ज़रूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग चल पड़ते हैं, जो इसका सेलिंग लेवल देख लेते हैं। एक्सिस बैंक का कल के लिए अगर ये एरिया 700 का वो ब्रीच करके एक भी 50 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देते हैं, वहाँ से उसको हम लोग शॉर्ट सेल करके चलेंगे। कैश का लेवल मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, उसको देखिए, अपने अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए, उसके हिसाब से काम कीजिए। और एक बात दोस्तों, मैं एंड स्क्रीन में दो इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहा हूँ। एक तो मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है उसका एक डेमो क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट फास्ट, जो वो सेशन का 10 क्लासेस होता है, फर्स्ट क्लास मैं एंड स्क्रीन में जोड़ रहा हूँ, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना। और एक इंपॉर्टेंट वीडियो, 3 पेनी स्टॉक जो कि आगे चलते हुए टाइटन जैसा परफॉर्म कर सकते हैं, डेट फ्री है ये 3 पेनी स्टॉक, तो उसको जाके बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको भी जाके देख लेना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो थोड़ा लाइक कमेंट शेयर करके मुझे मोटिवेट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।